नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं आपसे उस शख्स के बारे में जिसका नाम है असदुद्दीन ओवैसी। ये व्यक्ति असदुद्दीन ओवैसी तो है, लेकिन काम इसका हैदराबादी लंगूर जैसा ही है, क्योंकि ये व्यक्ति बोलता ज्यादा है और होता कुछ भी नहीं। ये किससे कितना डरता है मुझे नहीं पता, लेकिन यूपी वाले बाबा से कितना डरता है ये पूरा उत्तर प्रदेश भली भांति जानता है। अब आप ये कहेंगे कि ऐसा कौन सा काम है कि जिसकी वजह से मैं ये कह सकूं कि जो हैदराबादी लंगूर है ये उत्तर प्रदेश वाले बाबा से डरता है। तो जो आप याद करो, जब CAA का कानून आया था, उस समय भारत के जो मुसलमान थे अलग अलग राज्यों में उत्पात मचा रहे थे, दंगा कर रहे थे, और उसी समय इस लंगूर ने भी कहा था कि अब हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को शाहीन बाग बनाएंगे। तभी भारत के जो लोग थे, यानी कि ये बात उसने उत्तर प्रदेश के लिए कहा था, लेकिन भारत के लोगों की जो नजर थी वो उस लंगूर के ऊपर आकर के टिक गई थी। लोग सोच रहे थे कि कहां से लंगूर उत्तर प्रदेश जाए और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को दिल्ली के शाहीन बाग जैसा बनाए। हम भी यही सोच रहे थे, भारत का हर सनातनी यही सोच रहा था, भारत का हर राष्ट्रवादी यही सोच रहा था कि ये लंगूर कब आएगा। और ये लंगूर तो आए नहीं, जो बड़ी बड़ी बातें करने वाला, मुसलमानों की हक की बातें करने वाला, हैदराबाद से दहाड़ तो जरूर रहा था, लेकिन जब उत्तर प्रदेश को शाहीन बाग बनाने की बारी आई तो ये वहां से नहीं आए, इनके ही कुछ चेले उत्तर प्रदेश में शाहीन बाग बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। फिर उसके बाद आपने देखा कि जगह जगह दंगे हुए, और जैसे ये दंगे शुरू हुए, बाबा जी ने, यानी कि यूपी वाले योगी बाबा ने, ये आदेश जारी किया कि जितने भी लोग हैं इन दंगों में शामिल हैं और जितनी भी सरकारी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है इसकी भरपाई हम उनकी जमीन बेच करके, उनकी प्रॉपर्टी बेच करके कर लेंगे। लोगों को लगा, अरे ये तो योगी है, ये तो ऐसे ही बोलता है, बहुत पहले से बोल रहा है, बोलने दो, इसके बोलने से क्या होता है, हम तो करोड़ों में हैं, भारत में हमारी जनसंख्या लगभग 20 करोड़ है, ये अकेला योगी क्या कर लेगा। जब भारत के बाकी राज्य हमारा कुछ नहीं कर पा रहे तो इसके बस की क्या बात है, देख लेंगे इसको भी। लेकिन अगले दिन योगी ने आदेश जारी किया कि जितने भी लोग हैं इनकी फोटो चौराहे पर टांग दो और इनसे इनकी प्रॉपर्टी बेच करके सारे पैसे, यानी संपत्ति जो है उसकी भरपाई कर लो। और ऐसा हुआ तो लोग तिल मिलाने लगे, और मानवाधिकार वाले जो थे, मुस्लिम समर्थक जो थे, जो जिहाद का एजेंडा हिंदुस्तान में चलाते हैं, वो भी कूद पड़े उन मुसलमानों को बचाने के लिए, देखो जी मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि योगी बाबा किसी की सुनने वाला नहीं है, ये जो एक बार कह देता है फिर उसे पलट कर दोबारा नहीं देखने वाले हैं। मानवाधिकार आयोग आ गया, अल्पसंख्यक आयोग आ गया, जिसे आप मुस्लिम बोर्ड कहते हो, और इन लोगों ने अर्जी दे दिया, सुप्रीम कोर्ट तक बात चली गई, और सुप्रीम कोर्ट में जो काले कोट पहनकर घूमते उनको लगता है कि मैं तो कानून का बहुत बड़ा जानकार हूं, ये अकेला योगी क्या कर लेगा। उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी बहस शुरू कर दी, चुनौती दे दिया, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया कि आपने किस कानून के तहत इन लोगों की फोटो जो है आपने चौराहे पर चिपकाया है, ये तो निजता का उल्लंघन है, उनके अधिकारों का उल्लंघन है। योगी ने कहा ठीक है, हमारे पास ऐसा कानून नहीं है, हम इसको वापस लेते हैं। दोपहर में जो उत्तर प्रदेश वाले बाबा हैं इन्होंने अपने आदेश को वापस ले लिया। शाम तक उन्होंने एक ऐसा अध्यादेश जारी किया, और उस अध्यादेश में कहा गया कि जो लोग इसमें शामिल थे उनकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लो और उनकी जो फोटो है उन दंगाइयों की चौराहे पर लगा दो। अब सुप्रीम कोर्ट भी खामोश हो गया। क्यों खामोश हो गया? क्योंकि उस समय कानून नहीं था तो वापस करने पड़ गए। सुप्रीम कोर्ट की बातों को सुनते हुए उन्होंने अपने फैसले वापस लिए थे, उसी के तहत उन्होंने तुरंत अध्यादेश बनाया और उसको जारी कर दिया। और तब वो सभी लोग जो थे, जो दंगे में शामिल थे, जो बड़ी ही प्यार की, मोहब्बत की, भाईचारे की, अमन शांति की बातें करते हैं, वो लोग अगले दिन मुख्यमंत्री आवास के सामने हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए मिले। और वो क्षमा क्या मांग रहे थे? ऊपर वाले बस एक बार माफ कर दें। ये कहते हैं कि जो मुसलमान है वो किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ता है, लेकिन मैंने तो देखा है कि उत्तर प्रदेश का हर मुसलमान योगी के सामने हाथ जोड़ता है। ये झूठी और मक्कारी भरी बातें किसको बताते हो? ये उनको बताओ जो कुछ नहीं जानते हैं। तो भारत के लोगों ने ये देख भी लिया कि हैदराबादी लंगूर जो है ये वहीं पर कूदता जाता है जहां की सरकारें इनकी मनपसंद की हों, यानी कि जो कांग्रेस समर्थित हो, वामपंथी समर्थित हो, वहां पर ओवैसी के खिलाफ कोई सख्त एक्शन कोई लेने वाला नहीं है। लेकिन उसे
इस बार मालूम पड़ गया कि उसने पंगा गलत आदमी से लिया है। बाबा जी वो आदमी है जिनका बुलडोजर एक बार चल जाता है तो सारा काम करने के बाद ही रुकता है। और ऐसे ही लोगों को कुछ लगता था कि इतने 70 सालों से हम जो चाहेंगे वो कर देंगे, अरे पूरे देश को शाहीन बाग बना दिया तो उत्तर प्रदेश क्या चीज है। लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि बाबा की ताकत क्या है। और मैं उत्तर प्रदेश वासियों से यही कहना चाहता हूं कि ऐसा व्यक्ति, योगी के रूप में ऐसा संत, ऐसा महापुरुष आपको हजारों हजारों साल बाद मिला है, इसको खोना नहीं है। आप अपनी जाति पाति सब भूल करके, छोटा बड़ा ऊंच नीच भूल करके अपने योगी का समर्थन कीजिए। और आप सबसे गौरवशाली हो कि आपके राज्य में ऐसा मुख्यमंत्री है। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो कीजिए शेयर और चैनल कीजिए सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।